हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 3.4 फ्रॉम चैप्टर सर्कल ऑफ मैथ्स 2 फ्रॉम 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको दिया है क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन इज साइक्लिक। तो देखिए, यह है क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन विच इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए, इसके चारों वर्टाइसेस कहाँ पे, ऑन द सेम सर्कल, एंड देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको दिया एंगल आर इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस 13 डिग्री। तो एंगल आर आपको दिया है फाइव एक्स माइनस 13 डिग्री। एंगल एन इज इक्वल टू 4x + 4 डिग्री। एंगल एन इज इक्वल टू 4x + 4 डिग्री। फाइंड करना है आपको मेजर ऑफ एंगल आर एंड एन। तो देखिए, आपको एंगल आर और एन इसके एग्जैक्ट वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे एंगल आर और एन। तो देखिए, यह एंगल आर और यह एंगल एन। तो फ्रेंड देखिए, दोनों एंगल ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मतलब इन दो एंगल्स का एडिशन कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो फ्रेंड बस इसी थ्योरम को आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन इज साइक्लिक। तो हम लिखेंगे हियर क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या इज साइक्लिक। ये देखिए आपको गिवन है, दिस वन इज गिवन। सो देयरफॉर by cyclic quadrilateral theorem. So therefore, by cyclic quadrilateral theorem. So according to cyclic quadrilateral theorem. तो friends, क्या है cyclic quadrilateral theorem? The sum of the measure of opposite angles are supplementary. तो कौन से लेना है आपको, r और n। तो हम लिखेंगे therefore, measure of angle r plus measure of angle n is equal to 180 degree. ठीक है, according to this theorem. अब यहाँ पे values को put करेंगे आप। सो आर इज गिवन 5x - 13 प्लस, देखिए एंगल एन आपको दिया है 4x + 4। तो आप लिखेंगे 4x + 4 डिग्री इज इक्वल टू 180। और ये दोनों वैल्यूज आपको देखिए गिवन थे, तो ये हो गया गिवन। अब देखिए आप यहाँ पे 5x और ये 4x, तो ये हो गया कितना, 9x। देन फ्रेंड्स माइनस 13 और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस माइनस 9 को हम लेके जाएंगे राइट साइड में। तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180 + 9। तो कितना आएगा, 180 + 9, ये हो जाएगा 189। सो देयरफॉर हम लिखेंगे 9x इज इक्वल टू 189। ठीक है, सो देयरफॉर x कितना आएगा, ये आएगा 189/9। तो कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा x इज इक्वल टू 21। देखिए फाइनली आपको यहाँ पे x मिल चुका है 21। अब हम फाइंड करेंगे देखिए r और n। तो क्या करना पड़ेगा, मेजर ऑफ एंगल आर फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, वो है 21। ठीक है, तो पुट करेंगे, देखिए हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे फाइंड करेंगे एंगल आर। सो नाउ मेजर ऑफ एंगल आर हम फाइंड कर रहे हैं, मेजर ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू ये 5x - 13। वैल्यू ऑफ एक्स आपको पुट करना है यहाँ पे 21 - 13। तो सबसे पहले 5 × 21, ये हो जाएगा 105। ठीक है, फिर माइनस क्या करेंगे आप 13। सो 105 - 13, ये एंगल 92 डिग्री। सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल आर, ये आपको मिलेगा 92 डिग्री। वैसे फ्रेंड्स आपको फाइंड करना है देखिए मेजर ऑफ एंगल एन। सो मेजर ऑफ एंगल एन इज इक्वल टू, ये आपको दिया है 4x + 4 डिग्री, ये गिवन है। 4 × वैल्यू ऑफ एक्स कितना है, ये 21। देन प्लस 4, सो 4 × 21 ये कितना होगा, ये होगा 84। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 84। देन प्लस 4, ये आएगा 88 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए मेजर ऑफ एंगल एन ये आपको मिला है 88 डिग्री। तो फ्रेंड देखिए काफ़ी सिंपल है इसे सॉल्व करना, बस यहाँ पे आपको यूज़ करना था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको दिया है सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। देखिए सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर ऑफ दिस सर्कल जिसका सेंटर है ओ। पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। देखिए यह है पॉइंट टी विच इज आउटसाइड द सर्कल। प्रूव दैट एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल। तो आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल है आर टी एस, ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90। तो फ्रेंड्स कैसे इसे प्रूफ करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल से प्रूफ करना। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने वाले हैं। और क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे हम एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह, उसे हम नाम देंगे पी एस। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे फिर इसे प्रूफ करेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे यह है हमारा कंस्ट्रक्शन जो हमने ड्रॉ किया है, एक सेगमेंट ड्रॉ किया है पी एस या एस पी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जो एंगल है आर पी एस ये हो जाएगा 90 डिग्री। और क्यों होगा, बिकॉज ये जो एंगल है आर पी एस ये देखिए इंस्क्राइब्ड हुआ है इन अ सेमी सर्कल।
तो हम पढ़ चुके हैं कोरोलरी, यहाँ पे जो इंस्क्राइब्ड एंगल है अगर वो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड हुआ है तो फिर वो एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम प्रूफ में, ड्रॉ सेगमेंट, ड्रॉ सेगमेंट, कौन सी सेगमेंट, एस पी, सच दैट पॉइंट पी इंटरसेक्ट अ सर्कल, इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट पी। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यह है हमारा कंस्ट्रक्शन। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर एंगल आर पी एस, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इसका रीजन आप लिखेंगे एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल, इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। हम पढ़ चुके हैं कोरोलरी के जो एंगल है वो देखिए सेमी सर्कल के अंदर हुआ है इंस्क्राइब, इसलिए ये रहेगा 90 डिग्री का। सो देयरफॉर हम ऐसे बोल सकते हैं देयरफॉर सेगमेंट कौन सा, एस पी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर टी। ठीक है, और अगर एस पी परपेंडिकुलर आर टी को, तो डेफिनेटली ये जो है ट्राइंगल है, देखिए ये वाला, ये ट्राइंगल भी क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा, टी पी एस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, वेयर वेयर एंगल कौन सा, टी पी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है जिसकी वजह से राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें टी पी एस ये एंगल कितने का रहेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे यूज़ करेंगे हम एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। सो नाओ बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, सो नाओ बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, सो बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी क्या होगा, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज 180। सो देयर फोर ये आएगा मेजर ऑफ एंगल कौन सा रहेगा, सबसे पहले ले लेते हैं हम टी पी एस, देन मेजर ऑफ एंगल पी टी एस, मेजर ऑफ एंगल पी टी एस पी टी एस प्लस मेजर ऑफ एंगल टी एस पी, मतलब तीनों एंगल्स का एडिशन कर रहे हैं, टी एस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए टी पी एस ये ऑलरेडी 90 का है, तो ये हो गया 90 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ एंगल पी टी एस प्लस मेजर ऑफ एंगल टी एस पी, टी एस पी इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इस 90 को लेके जाएंगे राइट साइड में, तो हो जाएगा -90। सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल पी टी एस प्लस मेजर ऑफ एंगल टी एस पी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो ये आएगा 90 डिग्री। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल पी टी एस प्लस मेजर ऑफ एंगल टी एस पी, इन दो एंगल्स का सम मिला के, मतलब टुगेदर यह है 90 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि इंडिविजुअल एंगल दोनों ये क्या रहेंगे, लेस देन 90 डिग्री रहेंगे, क्योंकि दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो अकेले एक एंगल का सम क्या रहेगा, लेस देन 90। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल पी टी एस ये रहेगा लेस देन 90। और फ्रेंड्स देखिए मेजर ऑफ एंगल पी टी एस को हम दैट इज में लिख सकते हैं, दैट इज कहाँ पे देखिए एंगल पी टी एस पी देन टी एस, तो एंगल आपका कौन सा है, टी, तो इस पी टी एस को हम लिख सकते हैं आर टी एस, एंगल तो वही रहेगा, तो दैट इज मेजर ऑफ एंगल आर टी एस इज लेस देन 90। और देखिए ये आपको प्रूफ करना था कि एंगल आर टी एस इज लेस देन 90, मतलब एक्यूट एंगल। सो देयर फॉर हम लिखेंगे देयर फॉर एंगल आर टी एस ये क्या रहेगा, एक्यूट एंगल, इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। तो फ्रेंड देखिए कुछ इस तरह आपको यहाँ पे प्रूफ करना था कि ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तब तक आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।